हम लोग हिपैटिक सेगमेंट्स देख लेते हैं। हिपैटिक सेगमेंट्स में कैसे होता है, जो हमारा लिवर है वो, वैसे हमने देखा कि वो उससे डिवाइडेड है लिगामेंट से, ठीक है, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, उसके बाद पीछे की तरफ लिगामेंटम विनोसम और लिगामेंटम टीरिस, ठीक है, राइट और लेफ्ट में वो डिवीजन थी, एनाटॉमिकल डिवीजन। ये है कोइनॉड्स, कोइनॉड्स की क्लासिफिकेशन। ये है फंक्शनल डिवीजन, एक सेकेंड, हाँ फंक्शनल डिवीजन है ये वाली, ठीक है। फंक्शनल डिवीजन में क्या होता है कि जो हमारा पोटा हिपैटिस है, वो है हमारा, जिससे जिसके बेसिस पे हमारी डिवीजन होनी है, लाइक पोटल ट्रैक्ट जो है हमारा, हिपैटिक आर्टरी, पोटल वेन, बिलियरी डक्ट। तो ये जो तीन चीज़ें हैं किस हिसाब से अपनी डिवीजन कर रही है, लाइक हिपैटिक आर्टरी जो है वो गई, ठीक है, एक हिपैटिक आर्टरी गई, वो कैसे लेफ्ट और राइट में डिवाइड हुई, और तो उस बेसिस पे ये रीजन लेफ्ट लोब हो गया, उस रीजन राइट लोब हो गया, उसके बाद जो उसने डिवीजन की उस हिसाब से वो फर्दर डिवाइड हो गया। तो मतलब ये जो इनकी सप्लाई है, ठीक है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे उन्होंने डिवाइड कर दिया कि ये कब कब डिवाइड हो रहे हैं, उस हिसाब से उन्होंने रीजन डिवाइड कर दिए कि ये स्पेसिफिक रीजन जो है वो ये सेगमेंट, ये पार्ट ऑफ दिस हेपेटिक आर्टरी ही सप्लाई कर रही है। मतलब अगर हम बोलें कि लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी है और राइट हेपेटिक आर्टरी है, तो फिर हम बोलें कि ये वाला जो रीजन है वो लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी सप्लाई कर रही है और लेफ्ट पोर्टल वेन, मतलब ऐसे लेफ्ट बाइल्ड अप, इस तरीके से डिवीजन हुई है, और उस हिसाब से आठ डिवीजन हुई हैं, आठ सेगमेंट्स बनते हैं हमारे। मैं आपको शो कर देती हूँ, पहले पहले मैं दिखाती हूँ जो मेन डिवीजन हुई है, जिससे हमें राइट और लेफ्ट फंक्शनल लोब्स का पता लगता है। ये अगर एंटीरियरली देखें हम, तो ये है इन्फीरियर वेना कावा, कफ फोसा, और ये गॉल ब्लैडर हमें दिख रहा है। तो ये जो लाइन है ये हमें डिवाइड करती है राइट और लेफ्ट लोब को, और अगर पोस्टीरियरली देखें तो फिर ये इधर इधर से जाता है और ये कॉर्डेट लोब के बीच में से गुजर के जाता है इधर, ठीक है। और ये कैसे डिवाइड होता है, ये यहाँ पे दो डिवाइड डिविजन हो गई, उसके बाद फर्दर जो हिपैटिक आर्टरी या वेन है हमारी, हिपैटिक वेन है, उसके बेसिस पे ये डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो ये देखो ये डिवीजन हो गई हमारी, आठ सेगमेंट्स बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें से ये याद रखने वाली बात ये है कि जो 1, 2, 3, 4 है, ये जो सेगमेंट्स हैं ये लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, और ये जो 5, 6, 7, 8 है ये राइट साइड पे आते हैं। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन आते हैं कि जो हमारा, उन्होंने ये पूछते हैं कि जो थर्ड है वो कौन सी डक्ट में या कौन सी वेन में ड्रेन करता है, लेफ्ट में या राइट में, तो आपको पता होना चाहिए कि थर्ड जो है वो लेफ्ट साइड पर लाई करता है, इसलिए वो लेफ्ट से वाली को करेगा। इसमें से ये जो फर्स्ट हमारा सेगमेंट है, इसको हम लोग कॉर्डेट लोब भी बोल देते हैं, ये कॉर्डेट लोब होता है फर्स्ट, एक्चुअली ये जो फर्स्ट है हमारा कॉर्डेट लोब होता है, और ये जो कॉर्डेट लोब होता है ना, ये थोड़ा बीच में होता है, लाइक यहाँ पे जैसे दिखाया वैसे नहीं है, थोड़ा सा पोस्टीरियरली बीच में होता है। तो ये जो है ये दोनों ही राइट और लेफ्ट में ड्रेन कर देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आए तो ये याद रखना कि ये दोनों में ड्रेन कर सकता है। और क्वाड्रेट लोब, ये फोर्थ जो सेगमेंट है, इसके मीडियल पोर्शन में, यहाँ पे मीडियल पोर्शन में होता है क्वाड्रेट लोब, ठीक है। अगर हम लोग हिस्टोलॉजिकली देखें तो आपको ऐसा दिखेगा लिवर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ये बीच में आपको दिख रही है, ये होती है हमारी सेंट्रल वेन, क्योंकि बीच में ये सेंट्रल वेन आई है, ठीक है। ये आपको ये जो ऐसे दिख रहा है ना, ये हेपेटिक लॉब्यूल्स हैं, ये जो इसमें है, ये हिपैटिक लोब्यूल्स, ठीक है, ये हिपैटिक लोब्यूल्स हैं। और ये जो साइड्स में है यहाँ पे ये चीज़ें जो है हर जगह पे, ये हमारे पोर्टल ट्रायड्स हैं, ये हमारे क्या हैं, पोर्टल ट्रायड्स। पोर्टल ट्रायड कौन सा था, जहाँ से पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और बाइल डक्ट गुजरती है, तो ये हमारे पोर्टल ट्रायड्स हो गए। इसका भी फर्दर डिवीजन है, ये हिपैटिक लोब्यूल होता है, लेकिन अगर हम लोग ये डिवीजन ले लें, दो दो की ये डिवीजन ले लें, तो ये होता है लिवर एसिनस, ठीक है। लेकिन अगर हम ये डिवीजन ले लें,
इस तरीके से कि तीन सेंट्रल वेन आ जाए और एक पोटल ट्रायड आ जाए, एक पोटल ट्रायड और तीन सेंट्रल वेन, तो ये डिवीजन जो होगा ये हम बोलते हैं पोटल लोब्यूल, पोटल लोब्यूल ये, और इसमें दो दो आ जाते हैं, दो पोटल ट्रायड और दो सेंट्रल वेन, दिस इज लिवर एसिनस। और ये जो लिवर एसिनस है इसे हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। रिकॉल बहुत एक बार जो ये फिफ्थ और एट्थ हैं हमारे, ये हो गए हमारे राइट एंटीरियर, ये थोड़े पीछे चले जाते हैं, इसे हम बोलते हैं राइट पोस्टीरियर, इन्हें हम बोलते हैं फर्स्ट और फोर्थ को लेफ्ट मीडियल, और इन्हें हम बोलते हैं लेफ्ट लेटरल। ये डिवीजन बहुत ही वो होती है, कहीं इसको एंटीरियर को एंटीरियर को मीडियल बोल देते हैं, मतलब डिपेंड करता है, मतलब इनको भी कहीं मीडियल और लेटरल बोल देते हैं, तो आपकी बुक पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो लिवर है ये इसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल्स, ग्लिसन्स कैप्सूल। एक इम्पॉर्टेंट जो लिवर है वो रीजनरेट बहुत जल्दी कर देता है, मतलब कि अगर वो थोड़ा सा हो तो वो ज़्यादा सारा का सारा रीजनरेट हो जाता है। और ये मतलब अगर हम लोग 80% ऑफ मास लिवर का निकाल देते हैं तो फिर उसमें से जो लिवर है वो अपने ओरिजिनल साइज में 6 to 12 months में ओरिजिनल री ग्रो कर देगा, ये उसकी थोड़ी खासियत है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जब लिवर का ट्रांसप्लांटेशन हमने करना होता है तो हम लोग बस वो एक छोटा सा लोब अगर हम दे दें तो भी वो ग्रो कर जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लिवर, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, थैंक यू।